हाय फ्रेंड्स, मैं आपका गार्डनर दोस्त बीना। आज मैं आपको हिबिस्कस की प्लांट के बारे में कुछ बताऊंगी। देखिए, ये मेरा हाइब्रिड का हिबिस्कस है, तो इसको थोड़ा सा अभी केयरिंग करने का ज़रूरत है। तो मैं क्या क्या इसको खाद देती हूँ, कैसे क्या क्या करती हूँ, आपको दिखाऊंगी। देखिए, मेरे पास बहुत सारे देसी वेराइटीज़ है, वो मिट्टी में लगा हुआ है। तो ये जो हाइब्रिड है, तो मैं इसको गमले में लगाई हूँ। देखिए, इसका बहुत सा बड्स निकल के आ रहा है। देखिए, हर ब्रांच में इसका बड्स है। अब ये इस बड को पार्ट अच्छे से खिले, इसलिए कुछ केयर करना पड़ेगा अभी। देखिए, बहुत जब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो इसका पात थोड़ा थोड़ा लीव्स पीला पड़ गया था, थोड़ा थोड़ा। तो उसको भी मैं हटा लूँगी, और बाट्स को बाट कैसे अच्छे से खिलेगा उसको मैं दिखाऊँगी क्या करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, पात लिप्स जो पीला पड़ गया है, वो सब मैं हटा लूँगी। हिबिस्कस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसको धूप में ही रखी थी। दिन में दो बार तो पानी देना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो मिट्टी सूख जाता है। और अभी इसको रिपोर्टिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं मार्च के पहले हफ्ते ही रिपोर्टिंग की थी, तब मेरे चैनल नहीं था, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो अभी मैं उसको रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, लेकिन खाद दूँगी। तो देखिए, उसके गमले में बहुत सारे ग्रास हो गया, उसको मैं हटा लूँगी। और छोटे छोटे सैपलिंग्स भी उठ गया, उसको भी उठा लूँगी। उठा के इसको तो मिट्टी को मैं क्लीन करूँगी। मैं मिट्टी को थोड़ा खुदाई करूँगी, इसलिए थोड़ा सा मैं पानी पहले से ही दे दी थी, नहीं तो खुदा नहीं जाता। मिट्टी बहुत हार्ड हो गया था। मैं नर्सरी से ये प्लांट्स खरीद के ले आई थी, 2-3 साल हो गया मेरा ये प्लांट्स। देखिए, हो गया मेरा क्लीन करना। अब मैं इसको थोड़ा सा खुदाई कर लूँगी जी, क्योंकि मैं उसको इससे खाद दूँगी, इसलिए खुदाई करना जरूर पड़ता है। और अभी बाट निकल के आ गया है, तो इसको रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। साल में एक बार रिपोर्टिंग करना ही होगा, तब प्लांट्स अच्छे से चलेगा। और लीफ जो पीला पड़ गया, उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गर्मी में हो गया था उसका कोई। देखिए, मेरा खुदाई कर ली मिट्टी को। अब मैं क्या देती हूँ, देखिए, हिबिस्कस प्लांट के लिए पोटाश बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि आप काउडंग कंपोस्ट भी, जब मैं रिपोर्टिंग की थी तब मैं काउडंग कंपोस्ट दी थी, तो अभी मैं नहीं दूंगी, अभी पोटाश दूंगी, क्योंकि उसका बहुत सारे बाट आया है ना, खिलेगा पोटाश देने से। तो पोटाश आप जरूर दीजिएगा, और बीच बीच में आप हफ्ते में एक बार चाय की पत्ती दे दीजिएगा उसके प्लांट्स। इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं क्या दी हुई, बोन डस्ट दी हुई, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, कितना अमाउंट में मैं दी, और 10 बड़ा मैं DAP दूंगी। देखिए, ऐसे DAP दे दूंगी। तो पहले पोटाश दी है, फिर मैं बोन डस्ट दी है, फिर DAP दी है।
साइड साइड में माट मिट्टी में मैं दे दी। अब इसमें पानी दे दूंगी। मेरे बहुत सारे देसी के वैरायटीज़ है, मैं हम लोग जो भगवान को पूजा करते हैं तो वो फूल में देती हूँ भगवान को देसी वैरायटीज़ के, और ए में दे नहीं देती भगवान को, क्योंकि ये टॉप में गमले में रहता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है ये प्लांट्स फूल। देखिए पानी देने दे दिए। अब इस महीने में अप्रैल में मैं यही केयर करूँगी हिबिस्कस के, फिर नेक्स्ट मंथ में मैं और दूसरा केयर करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस